हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है द परफेक्ट स्टडी पे, और आज हम लोग सीडीपी के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैं सीडीपी के सिलेबस को लिखवा चुका हूँ, यानी बाल विकास के सिलेबस को लिखवा चुका हूँ कि सीटेट के अंदर सीडीपी के जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ के वो आप एक तरीके से अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे वो सिलेबस वाली क्लास को नहीं देखे वो जाके सिलेबस को नोट कर लीजिए, और टेलीग्राम द परफेक्ट स्टडी पे सिलेबस का मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया हूँ। आज के इस क्लास में हम जो सिलेबस लिखवाए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास, इसको समझेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना भी रहती है, और एक तरीके से ये बेस चैप्टर है, ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। तो चैप्टर को खूब अच्छे से समझिएगा। जो भी इसके बाद आपके डाउट्स बचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी आपको मेरी इंस्टाग्राम, मेरे जो कि व्हाट्सएप नंबर पता है, वहां पे अपने डाउट्स भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते, खूब बेसिक से खूब अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास है ये सीटेट सीडीपी की, तो खूब अच्छे से समझिएगा। अच्छा, क्लास में मैं वृद्धि और विकास तो आपको समझाऊंगा, उसके बाद जैसे क्लास के एंड में हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, यानी टॉपिक के बीच में जो कुछ गैप रह गया हो वो क्वेश्चन को जैसे टिक करेंगे ना, तो बिल्कुल रिविजन भी हो जाएगा और एक तरीके से हमारी ये वृद्धि एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगी। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को खूब अच्छे से खूब मन तन धन से देखिए और समझिए। ठीक है, आइए वृद्धि और विकास को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में वृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। देखिए, जो हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर वृद्धि और विकास को एक तरीके से व्यापक रूप में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक ही है। जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलपमेंट पढ़ना रहता है, तो यहाँ पे वृद्धि एक तरीके से समाप्त हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म एक माइक्रो लेवल पे अगर आपको अच्छे से स्टडी करना, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना, तो वृद्धि को भी समझना आवश्यक है और ग्रोथ को और डेवलपमेंट को भी समझना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वृद्धि को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ शब्द लिखूंगा, यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले समझिए, जब आप वृद्धि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शारीरिक, यहाँ पे देखिए जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं खूब अच्छे से नोट बनाइएगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन। यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप? शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि को आप शारीरिक परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन जब विकास की बात करेंगे हम लोग कि शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा शारीरिक शारीरिक विकास। आप कहोगे सर जी, शारीरिक परिवर्तन शारीरिक विकास में क्या अंतर है, इसे समझा दीजिए। आइए खूब अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी में जो चेंजेज होता है, ठीक है, वैसे जब वृद्धि और विकास स्टार्ट होता है गर्भावस्था से ही, लेकिन जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में परिवर्तन, जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं, उन्हें हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास को जब हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में समग्र डेवलपमेंट, समग्र विकास को ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, हमारे पैर बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, हमारे सर बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम ग्रोथ कह के पुकारेंगे। लेकिन जब हम हाथ पैर बढ़ना, हमारा सिर बढ़ना, हमारा बाल बढ़ना, हमारे नाखून बढ़ना, सबको मिला के अगर हम कहेंगे शारीरिक विकास हो रहा है, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे, उसे हम लोग विकास कहेंगे। एक तरीके से इसे भी आप कह सकते हो, जो वृद्धि होती है ये मूर्त होती है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम एक तरीके से, देखिए कोई बालक, मान लीजिए यहाँ 2 वर्ष का बालक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 वर्ष का बालक है, कभी ये 2 साल बाद ये 4 वर्ष का हो जाएगा, तो आप उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें देख पा रहे हैं। लेकिन विकास के ये अमूर्त होता है, इसे देख नहीं पाते। मान लो हम कहेंगे कि ये, मान लो कोई बालक ए है, कहेंगे इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, यानी उसका जो परिपक्वता लेवल है वो बहुत अच्छा है, तो परिपक्वता लेवल आप देख नहीं ना पा रहे हो, सिर्फ महसूस करते हैं, सिर्फ उसके नॉलेज को समझते हैं, लेकिन देख नहीं ना पाते हैं। तो जो विकास होता है वो अमूर्त होता है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वृद्धि को हम देख सकते हैं, ग्रोथ को हम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट जो समझाने का प्रयास किए हैं उसे आप लोग खूब अच्छे से समझे होंगे। और इतना अच्छे जाना, वृद्धि को ही अवृद्धि कहते हैं, वृद्धि को ही कभी कभी आप लोग अवृद्धि लिखा अगर देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, सबका अर्थ ग्रोथ ही होता है। और आपको पता है कि वृद्धि और विकास जन्म के समय से ही चलना प्रारंभ कर देते हैं, और जो वृद्धि होती है ये प्रौढ़ावस्था तक जाके रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। इसका इतना समझा दिया, अब चीजें आगे समझिए, अब आपको और इजी हो जाएगा समझने में। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को समझोगे, अब एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा और अब अच्छे से मजा आने वाला है। चलिए सभी लोग एकदम रेडी हो जाइए, आइए समझते हैं ग्रोथ को, आइए समझते हैं वृद्धि को। देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना यानी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर,
हमारे शरीर का आकार यानी हमारे बॉडी का शेप स्टार्ट ग्रोइंग यानी जब वृद्धि करना शुरू कर देता है, हमारे बॉडी हमारे शरीर की जब संरचना या फिर आकार में बढ़ना शुरू होता है तो उसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बालक ए है, एक बालक बी है, ठीक है, और ये बालक मान लो बी हो गया। अब यहाँ पे दो बालक सेम दिन ही मान लो सोमवार के दिन ही दोनों बालक जन्म लेते हैं, ठीक है, सोमवार के दिन दोनों बालक जन्म लेते हैं, और ये 2 वर्ष बाद जो ए बालक है इसकी कुछ कुछ इसके बॉडी पार्ट जो डेवलप कर गए, तो हम क्या कहेंगे, जो ए वाला व्यक्ति है इसकी वृद्धि हुई है, इसके बॉडी में चेंजेस आया है, तो इसकी संरचना बढ़ी है, लेकिन बी वाले का बॉडी सेम की सेम पड़ी रह गई है, ये बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं ये विकलांग बालक है, तो हम कहेंगे इसका ग्रोथ नहीं हुआ, इसकी वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे, अभी और भी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपका वृद्धि और विकास अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये चीजें अच्छे से पता होंगी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोइंग इज नोन एज ग्रोथ, यानी जब हमारे शरीर की संरचना आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो हमारे प्यारे प्यारे हम प्लांट को लेके आए हैं, इसे आप लोग समझिएगा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए अच्छे से समझिए, आप कहोगे जी यहां पे आप ह्यूमन क्यों नहीं लिए, देखो उसके पीछे मैं बताता हूं। देखिए हम अभी वृद्धि पढ़ रहे हैं और वृद्धि में आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि शरीर की संरचना या फिर आकार का बढ़ना जो होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो एक प्लांट के अंदर हम समझने के लिए कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर इमोशन नाम की चीज नहीं होती, प्लांट के अंदर कोई, हम ये नहीं कहते सोशल डेवलपमेंट हो गया या प्लांट गिरने वाला है और आप उसके नीचे जाएंगे तो वो नहीं गिरेगा, आप दब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो गिरेगा तो गिरेगा, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट नैतिकता ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसको भैया वो बड़ा होना ये उसका एक तरीके से फर्ज है। तो ग्रोथ को आप कह सकते हो, इसके बॉडी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो छोटा सा नन्हा सा पौधा है, यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, ये बाद में एक पेड़ का रूप ले लिया, एक वृक्ष का रूप ले लिया, तो हम इसे ग्रोथ कहते हैं। यानी जो हमारे बॉडी में सिर्फ हमारे बॉडी में मात्रात्मक परिमाणात्मक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं। लाइक आप एग्जाम्पल के रूप में आप प्लांट को दे सकते हैं, जैसे प्लांट का बढ़ना हम कह सकते हैं ग्रोथ, ठीक है, ये धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इनमें ग्रोथ हो रहा है। अब उम्मीद करते हैं ग्रोथ को अच्छे से समझोगे। अब कुछ पॉइंटों में ग्रोथ को समझिए, उसके पहले थोड़ा सा मैं फ्रैंक की डेफिनेशन को समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक है इनकी डेफिनेशन को समझिए, खूब मजा आने वाला। आइए देखिए डेफिनेशन मैं लेके आया भी हूँ। फ्रैंक के अनुसार महान, यहाँ पे महान लिख लीजिएगा जहाँ नोट्स बना रहे, बहुत प्रचंड महान मनोवैज्ञानिक है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ये ज्यादा कार्य किए हैं फ्रैंक साहब। तो फ्रैंक साहब कहते हैं कोशिकी गुणात्मक वृद्धि ही अवृद्धि है, यूपी टेट में सीधे सीधे यहां से भैया इनकी जो कि इनके जो कथन है पूछ लिया जाता है कि कोशिकी गुणात्मक वृद्धि वृद्धि ही अवृद्धि है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो भैया फ्रैंक जी ने कहा था और सीटेट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रैंक साहब की डिफिनेशन को तोड़ के अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि फ्रैंक साहब कहते हैं हमारे बॉडी में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, हमारे शारीरिक रूप में जो कुछ भी चेंजेज होता है, जो कुछ भी ग्रोथ होता है, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं, उसे ही वृद्धि कहते हैं। तो फ्रैंक की डिफिनेशन को अपने दिल में अपने दिमाग में खूब अच्छे से बैठा के आप लोग समझ लीजिएगा, इसको खूब अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब फ्रैंक की डिफिनेशन को समझ गए, इतना इसके लिए सफिशियंट है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंटों में करके समझिए, आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए समझते हैं वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूं, देखिए एग्जांपल के तौर पे वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। देखिए पेड़ बढ़ रहा है, हम यहाँ पे इसकी हाइट को देख सकते हैं, इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, इसकी हाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक वाय है, इसे हम देख सकते हैं, तो वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। अगर आपके ऑप्शन में वाय आए तो इसे 100% आप लोग टिक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। अगर देखिए ये प्लांट है, अगर ये बढ़ता चला जाए तो ये जो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये ऊपर जब हेलीकॉप्टर वगैरह जाएंगे तो कभी कभी उनको टच कर जाएगा, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है, लगभग प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, जैसे लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई तो ये एक एक समय के बाद ये रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, ठीक है। तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, इसको भी जानते रहिएगा। वृद्धि का स्वरूप वाय होता है। अब वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे अगर कोई प्लांट बढ़ रहा है तो उसे आप देख सकते हैं ना,
तो वृद्धि के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो मूर्त है, उन्हें हम देख सकते हैं, हाथ पैर का पढ़ना हम देख सकते हैं। तो वृद्धि के घटक जो होते हैं वो मूर्त होते हैं, उम्मीद करते हैं इसको भी समझे होंगे। उसके बाद वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लो कोई एक बालक है, नन्हा सा, हम बता सकते हैं 1 फीट का है, 2 फीट का है, ठीक है, या भी इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, 1.57, कितना हम बोलते हैं ना ऐसे, तो हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। ये भी एक एक तरीके से वृद्धि का मेरे भाई एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनको भी आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं खूब अच्छे से चीजों को समझते रहिएगा। चलिए अगले पॉइंट को समझिए, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। अब जो देखो इसकी एक समय के बाद ग्रोथ जाके रुक जाती है, आपको पता है कि प्रौढ़ावस्था तक ये जाके रुक जाता है। तो भैया सीमित होना तो ये अनिवार्य सी बातें हैं कि वृद्धि का जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा सीमित होता है, लिमिटेड होता है, इतना इसके बारे में जानते रहना। लेकिन जहां ही आप अगर विकास पढ़ रहे होते तो आप पढ़ते कि जो विकास का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, वो जीवन प्रत्य चलता रहता है। अब यहाँ पे समझिए, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, यानी वृद्धि जब अगर देखो परिमाणात्मक को नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मात्रात्मक, यहाँ पे मात्रात्मक, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है मात्रात्मक, यानी वृद्धि केवल एक, यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि वृद्धि को हम एक तरीके से एक मेंशन कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट हम कह सकते हैं 1 फीट है, 2 फीट है, तो इसे हम माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या होती है, एक तरीके से ये मात्रात्मक होती है, हमें परिणाम देती है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी लेंथ कितनी है, और आपकी मोटाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी। इस तरीके से आप लोग वृद्धि को जान सकते हैं। अब 3 पॉइंट है यहाँ पे नोट करके लिखे हैं, और जब इसे हम विकास को समझा लेंगे फिर इन 3 पॉइंट को समझाएंगे, आपका और भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई कोई कहते हैं ना कि कैसे, वो कहावत है कि भैया खरबूजे का पेड़ इतना दूर गया लेकिन वो छाया नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो वृद्धि होने से जरूरी नहीं कि जिसका वृद्धि हुई है उसका विकास हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका वृद्धि तो हो जाती लेकिन मानसिक स्तर डेवलप नहीं होता। तो वृद्धि ये डिपेंड नहीं करती, या फिर वृद्धि ये निर्धारण नहीं करती कि वृद्धि विकास होगा भी या नहीं होगा, लेकिन विकास अपना इंडिविजुअली चलता है और वृद्धि अपना इंडिविजुअली चलती है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। लेकिन जब थोड़ा से व्यापक रूप में पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ाएंगे कि वृद्धि और विकास दोनों एक में ही समाहित है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस अभी इसको समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा अभी नीचे विकास को समझा लो फिर, ठीक है। चलिए अभी इसको समझिए, जिन पर शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वो अभिवृद्धि कहलाते हैं। इसको मैं अभी समझाइए देता हूं। देखिए आपको पता है हम पढ़ रहे हैं वृद्धि, हम पढ़ रहे हैं किसको भैया, वृद्धि को। तो वृद्धि पे शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको ऐसे समझिए, मान लो कोई एक बालक ए है और एक बालक बी है, ठीक है, और दोनों बालक मान लो जन्म लेते हैं बिल्कुल सेम समय पे। जो ए वाला बालक है इसे आप खूब अच्छे स्कूल वगैरह में पढ़ाई करा रहे हैं, इसे अच्छे ट्यूशन वगैरह दे रहे हैं। जो बी वाला बालक है इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, पापा इसके जो कि अच्छे से पढ़ा वढ़ा नहीं पा रहे हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये बालक अपना कुछ काम वाम कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बी वाला बालक है इसका इसका बॉडी पार्ट जो कि डेवलप ना करे, इसका जो कि वृद्धि ना हो। तो बिल्कुल ये तो सामान्य सी बात है कि पढ़ाई लिखाई हो या ना हो लेकिन वृद्धि तो होगी। हाँ, विकास जरूर प्रभावित होगा ये दोनों का, ए वाले का विकास ज्यादा होगा, बी वाले का कम होगा, लेकिन वृद्धि दोनों की समान रहेगी। तो यही कहने का मतलब है, जो आपकी अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है, उन पे शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना इसके बारे में जानते रहना। अब देखिए विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी शामिल है। तो फर्स्ट नोट को और सेकेंड नोट को अभी मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट को समझा लें। और डेवलपमेंट को हम लोग जानते हैं कि भैया ये सब चीज का समग्र रूप है। जैसे हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आती, एक शब्द यहाँ पे हम हाईलाइट किए हैं विकास को समझाने के लिए, और ये है मेच्योरिटी, ये है परिपक्वता। ध्यान से समझना, जब हम विकास की बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के अंदर दो डोमेन होते हैं, दो पक्ष आते हैं। एक तो हम कह सकते हैं परिपक्वता, यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और एक आप कह सकते हो वृद्धि, ठीक है। देखिए विकास के अंदर वृद्धि भी समाहित है और परिपक्वता भी समाहित है, दोनों को मिला के आप कह सकते हो कि किसी बालक का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से जानते रहना। देखिए जब हमारे मानसिक, हमारे सामाजिक, यानी हम अपने सोशल संबंध स्थापित कर लेना है, अपने संवेगों, अपने इमोशनों को हम कंट्रोल करना जान गए, हमारे बौद्धिक पक्ष जो होते हैं इनको एक तरीके से हम एक कंट्रोल करना जान गए, इनमें परिपक्वता आ जाती, तो इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम वृद्धि की बात कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग शारीरिक विकास की बात करते, यानी शारीरिक परिवर्तन की बात करते। विकास का नया सही नहीं होगा, जब वृद्धि की बात करें तो आप परिवर्तन का नाम ले। जैसे अगर हम कहें वृद्धि क्या होती है तो आप कह सकते हैं सर वृद्धि वो होती है जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारे हाथ पांव का बढ़ना। लेकिन हम कहेंगे बच्चे ये बताओ विकास क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर विकास वो होता है जिसमें हमारे शरीर का समग्र विकास हो,
हमारे बॉडी का यानी हमारे मस्तिष्क का, हमारे समाज, हमारे संवेग का समग्र विकास हो तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इतना इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहना। और विकास के कारण परिपक्वता आती है और वृद्धि के कारण हमें एक तरीके से कहते हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ आता है, चेंजेज आता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाया हूँ। कहोगे सर जी जब आप ग्रोथ समझाए थे तो वहां पे एक प्यारा सा प्लांट लिए थे, और जब आप डेवलपमेंट समझा रहे हैं तो यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची लिए, एक प्यारी सी वोमेन लिए हैं, एक प्यारी सी औरत लिए। क्यों सर? तो इसके पीछे रीजन है। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल अगर इसे प्लांट समझिए ना, एक छोटी सी बच्ची से प्लांट समझिए, एक फूल का पौधा समझिए, ठीक है, ये बिल्कुल निसहाय जैसे एक पौधा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वृद्धि, ये विकास इसका थोड़ा सा हुआ, अभी भी ये प्लांट के रूप में ही जानी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसका और विकास हुआ ये अपने संवेगों पे कंट्रोल करेगी, अपना लोगों के साथ कैसे बैठना है, कैसे इनको नैतिक एक तरीके से अपना व्यवहार कैसे करना, नैतिक विकास कैसे करना, ये चीजें ये जानने लगेंगी, इनमें मेच्योरिटी आएगी, ये धीरे धीरे इनकी शादी विवाह होगा, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर ये कभी जाके ये बुआ बनेंगे, दादी बनेंगे, फिर ये दादी माँ बन जाएंगी। तो यानी इनमें वृद्धि तो हो रही है, साथ में साथ इनमें परिपक्वता भी आ रही है, इनमें मैच्योरिटी भी आ रही है। तो यही तो विकास कहता है ना, कि विकास कहता है भैया हम वृद्धि तो करेंगे लेकिन साथ में साथ हमें परिपक्वता भी आएगी। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल एक औरत का, एक पुरुष का बिल्कुल अच्छे से बैठता है कि इनका भी वृद्धि हो रही है, इनके भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनमें परिपक्वता भी आ रही है। ये अपने बच्चे को संभाल रही है, बच्चे को अच्छे से देखभाल कर रही है, उनको पढ़ाई लिखाई करवा रही है, ऊपर से जॉब भी कर रही है। तो इनके अंदर परिपक्वता, मेच्योरिटी आ रही है, अपने संवेगों को कंट्रोल करना आता है, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानते रहना। तो वृद्धि विकास में अंतर उम्मीद करते हैं, अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। वृद्धि को आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में चेंजेस, और विकास को कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का एक तरीके से डेवलपमेंट, हमारे बॉडी का एक तरीके से समग्र विकास जो होता है, हमारे बॉडी में जो परिपक्वता आती है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से आपकी जड़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी क्लासेज आएंगी इनसे रिलेट करते हुए रहेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो विकास जो ये 3 से 4 लेक्चर आएगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अब नोट पॉइंट करके जो लिखा है इसे खूब अच्छे से समझ लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वास्तव में विकास संपूर्ण अवृद्धियों का संगठन है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई बहन है। देखिए अभी आपके 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 मान लीजिए हाथ हाथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पैर की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, आपके सिर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, आपके सिर बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रोथ है, ये वृद्धि है। लेकिन अभी जब इसका समग्र रूप मिलके डेवलपमेंट हो गया तो हम कह सकते हैं संपूर्ण विकास, संपूर्ण यानी हाथ पैर सिर का सबका मिलके हम कह रहे हैं भैया कि ये हमारे शारीरिक विकास हो रहा है, ये हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ये हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, तो इसे हम विकास कहेंगे, इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब जो अगली पॉइंट है, सभी भाई बहन दोस्त यार मित्र से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इसे नोट करके लिख लीजिए। जो बच्चे, जो दोस्त, जो भाई बहन, जो मित्र यार, जो छात्र छात्राएं नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, खूब अच्छे से नोट्स मेंटेन करिए, बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। जो मैं नोट्स दूंगा वो भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर खुद से नोट्स तैयार करेंगे, आपके पास समय है तो और बेहतर कर जाएंगे। देखिए इसके इसके कारण यानी जो कि विकास के कारण बालक की कार्य क्षमता व कुशलता में प्रगति आती है। एक चीज यहाँ पे जोड़ना, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखवाने जा रहा हूँ, सभी लोग लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालिए विकास। चलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं विकास के कारण, चलिए सभी स्टूडेंट लिखिए विकास के कारण, विकास के कारण, विकास के कारण व्यक्ति में, या फिर व्यक्ति इंसान पुरुष जो भी लिख सकते हैं, विकास के कारण व्यक्ति में कार्य, व्यक्ति में कार्य, व्यक्ति में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, अभी एक चीज और लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, कार्य क्षमता, उसके बाद कुशलता, ठीक, उसके बाद कुशलता, उसके बाद कुशलता, और लास्ट में एक चीज लिखिएगा परिपक्वता, ठीक है, क्या लिखेंगे, परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता। विकास के कारण व्यक्ति में कार्य क्षमता, कुशलता और परिपक्वता आती है। अगर यही वृद्धि की डिफिनेशन लिख सकते हैं तो कह सकते हैं वृद्धि के कारण व्यक्ति के बॉडी में चेंजेज होता है, बॉडी के ग्रोथ होता है, व्यक्ति के बॉडी में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन आता है। तो दोनों डिफिनेशन को खूब अच्छे से लिखेगा। विकास के कारण व्यक्ति में कार्य क्षमता, जैसे एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, बिल्कुल कार्य क्षमता को ले लेते हैं और समझा देते हैं। देखिए समझिए कैसे आप एक तरीके से आपका वर्क पावर कैसे बढ़ेगा। अभी देखिए
अभी मान लीजिए आप ही 5 साल के हैं, एक एक और बच्चा 5 साल का है, फिर 5 साल बाद आप 10 वर्ष के हो गए और एक बालक भी 10 वर्ष का है। जो बी वाला बालक है, इसे कोई भी हम लोग कार्य नहीं दे रहे, इसकी सिर्फ वृद्धि हुई है और इसको हम एक तरीके से मेच्योर नहीं बना रहे, इसको इसको अच्छे से छोड़ दिए हैं। जो बी वाला बालक है, एक तरीके से शहरी बालक कह सकते हैं। तो जो गाँव का बालक है, ये खेत में पानी भी चला रहा है, और जो गाँव की बच्चियां हैं ये क्या रही, गाय भैंस को अच्छे से नहला भी रही है, वो अपनी पढ़ाई भी कर रही है, घर में सबके लिए खाना भी बना रही है, सबका ख्याल भी रख रही है, जो ए वाली स्टूडेंट है। और ये वाले जो छात्र हैं, जो ए वाले छात्र हैं, ये खेत में पानी भी चला रहे हैं, अपना ट्यूबवेल भी स्टार्ट कर रहे हैं, और अपने उनके शारीरिक एक तरीके से परिपक्व भी हो रहे हैं। तो कार्य क्षमता किसकी अच्छी होगी? तो कहोगे सर जी ए वाले व्यक्ति की। तो जो विकास होता है ना, वो आपको कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति लाता है। लेकिन बी वाला व्यक्ति, इसका वृद्धि तो हो गया लेकिन एक तरीके से इसकी कार्य क्षमता ये बिल्कुल एक तरीके से सुस्त रह रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि इसका विकास हुआ है। तो यही इसमें बेसिक सर डिफरेंट होता है कि विकास के कारण कार्य क्षमता व कुशलता दोनों आती है। कुशलता मतलब आपकी जो स्किल है उसमें एक तरीके से मजबूती आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, मान लो ए बालक कोई है, कोई बालक बी है, ए वाला बालक क्या है, इसको खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये 2 वर्ष में ही क बनाना जान गया। लेकिन जो बी वाला बालक, इसे प्रैक्टिस वगैरह नहीं करा रहे, इसकी भी अंगुलियों की वृद्धि हुई है लेकिन इसको प्रैक्टिस वगैरह नहीं करा रहे, तो ये क को ऐसे बना रहा है, फिर क को ऐसे बना रहा है। तो यानी आप क्या कह रहे हो, जो ए वाला बालक है, इसके अंदर कुशलता आई है, और कुशलता किससे आती है, तो आपको परिपक्वता से, आपके प्रैक्टिस से। आप उम्मीद करते समझ गए होंगे कि जो विकास होता है, इसके कारण कार्य क्षमता व कुशलता में प्रगति आती है, और यही आपका डेवलपमेंट होता है। और जब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तब यहाँ पे चीजों को कैसे पढ़ेंगे कि विकास को कौन कौन लोग प्रभावित करते हैं। उम्मीद करते इस डेफिनेशन को खूब अच्छे से समझोगे। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ, फिर हम चीजों को आगे समझाते हैं। बताइए इतना समझ में अगर आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यस लिखिए, सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, ठीक है। चलिए अपना 100% दे रहे हैं, जैसे बीएड में दे रहे थे समझाने के लिए, बिल्कुल ऐसे हम लोग ईवीएस की क्लास भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जो साथ हैं 100% सीटेट उनके हाथ में होगा, बस खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए और चीजों को समझते रहिए जो समझाया जा रहा है। अब आपको पता चल गया विकास क्या होता है, तो विकास के कारण हमारे बॉडी में कार्य क्षमता, कुशलता और परिपक्वता। यहाँ पे एक शब्द हमेशा याद करते रहना कि परिपक्वता, याद रखिएगा इस शब्द को। कार्य क्षमता, कुशलता और परिपक्वता के कारण आता है भैया विकास, के कारण डेवलप होता है आपका डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं इसको खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ पॉइंटों में समझ लीजिए कि विकास के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम और है। देखिए यहाँ पे छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बालक है, और यहाँ धीरे धीरे इसका देखो, इसके बॉडी में चेंजेस आ रहा है ना, यहाँ पे इसकी वृद्धि तो हो रही है, इसकी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें परिपक्वता भी आ रही है, इसमें इसमें परिपक्वता भी आ रही है, इसमें मेच्योरिटी भी आ रही है। तो मेच्योरिटी जैसे ये बड़ा हुआ है, ऑफिस वर्क कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, फिर इसके जो कि बच्चे बच्चे हुए, फिर ऑफिस वर्क करके फिर धीरे धीरे ये एक तरीके से दादा बन गए। तो कहने का मतलब है आप भी बड़े हो गए, कभी ना कभी दादा की कैटेगरी में तो जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो क्या हुआ, आप मेच्योरिटी के लेवल को पार करते हुए जाएंगे, और फिर आपके सामने अगर कोई बालक खूब तेज से बाइक भगाते हुए जाएगा तो आप यही बोलेंगे, अरे बेटा हम भी तुम्हारी उम्र के थे और हम तुमसे ज्यादा बाइक चलाते थे, मन में कहेंगे। तो क्या हो गया, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि जो आप किए हो वो हम कर चुके। तो विकास के कारण वृद्धि और परिपक्वता दोनों आती है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को खूब अच्छे से समझे होंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल इंजॉय करते हुए चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। आइए, एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हर्लॉक साहब, इन्होंने वृद्धि और विकास पे बहुत ज्यादा कार्य किया, और ये क्या कहते हैं, विकास जो होता है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। कहने का मतलब साफ साफ ये कहते हैं, जो आपके हॉर्लॉक साहब है, जो विकास का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लीजिएगा कि हॉर्लॉक कहते हैं व्यापक होता है, यानी कहते हैं ना कि जो विकास होता है वो वृद्धि तक सीमित नहीं होता, प्रौढ़ावस्था तक जाके रुक नहीं जाता, ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है, और ये हमेशा परिपक्वता की ओर, और इसमें परिवर्तन जो होते हैं वो प्रगतिशील रहते हैं, इसमें आपके जो नॉलेज है हमेशा चेंज होते रहते हैं, चीजों को आप नए नए चीजों को एक्वायर करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और यही आपके कहते हैं प्यारे हॉर्लॉक साहब। उम्मीद करते हैं इनकी डिफिनेशन को कहीं अच्छे से लिख लेना। तो देखिए वृद्धि जब बात आए तो फ्रैंक साहब को कभी मत भूलिएगा, फ्रैंक साहब कहते हैं गुणात्मक, जो हमारी गुणात्मक वृद्धि ही कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, यानी हमारे बॉडी में जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, उसका जो चेंज हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसे ही हम ग्रोथ, उसे ही अभिवृद्धि कहेंगे, ये फ्रैंक कहते हैं। और हार्लॉक कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता की ओर हमेशा परिलक्षित रहता है, उसकी ओर हमेशा अग्रसर रहता है, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो प्रगतिशील क्रम निहित रहते हैं, हमेशा चेंजेज होते रहते हैं विकास के कारण। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। अब विकास को थोड़ा और समझ लीजिए पॉइंट वाइज में। अभी अगर बीएड की क्लास लेते रहते
तो बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी रहती, लेकिन यहाँ पे आप सीटेट की क्लास ले रहे हो, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन टिक करने हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। कैसे कहोगे सर जी, अभी तो आप कह रहे थे कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जैसे अभी आप पढ़े हो जो विकास होता है इसके अंदर हम कहते हैं वृद्धि भी समाहित है और परिपक्वता भी, तो परिपक्वता को आप देख नहीं ना सकते हो। जैसे अभी आप मुझसे कभी मिले तो मैं आपकी वृद्धि ही देख सकता हूँ कि आप मान लो आप 6 फीट के हैं, आप 5 फीट के, आप 4 फीट के हैं, मैं आपकी वृद्धि देख सकता हूँ, लेकिन आपका ये नहीं जान सकता आपका मानसिक स्तर क्या, आप कितने पढ़ने में तेज है, आप कितने मेच्योर है, ये मैं नहीं ना जान पाऊंगा जब तक आपसे बातचीत न करूंगा। तो विकास को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी, यानी विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक जन्म लेने से लेके, यानी गर्भावस्था की बात भी हम कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। आपका विकास, आपका डेवलपमेंट जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी हमारे लिए तो स्टूडेंट ही हैं आप लोग, जीवन पर्यंत चाहे आप 60 70 साल के हो जाए तब भी स्टूडेंट ही रहेंगे। तो क्या होगा, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कि जब वृद्धावस्था हो जाती तब भी हम नई नई चीजों को सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को समझते रहिए कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। बहुत प्यारी टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है, जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं वो अपना एक तरीके से बेसिक, अपना एक तरीके से बेसिक अच्छे से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद विकास में निश्चित क्रम होता है और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। सभी से, स्टूडेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को खूब अच्छे से लिखेगा, स्टार लगा लीजिए, समझाने जा रहा हूं। विकास में निश्चित क्रम और निश्चित दिशा होती है, इसको दोनों को एक ही अर्थ में समझाऊंगा। जैसे अभी ये बात बताइए कि विकास का जो दर होती है, यहाँ पे एक चीज और समझिए, दर विकास की जब दर होती है वो जगह जगह भिन्न होती है, लेकिन जो जो विकास की दिशा और विकास का क्रम होता है बिल्कुल वो सेम होता है, सार्वभौमिक होता है। देखिए जो आपका दर है ना वो विश्व के हर कोने में ये बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो निश्चित क्रम है वो विश्व के हर कोने में हर बालक में सेम दिखाई देगा। कहोगे सर जी एग्जाम्पल दे दीजिए, आइए देखिए, यहाँ पे ए बालक है, यहाँ पे बी बालक है, ए बालक जो है ये हमारे प्यारे भारत का है और बी बालक जो है ये मान लीजिए आपके आपके अमेरिका का है, ठीक है, ये अमेरिका का है। अब ध्यान समझना, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दर की बात। अब देखिए जो आपका भारत का बालक है ना, ये भारत की जलवायु से प्रभावित करेगी, जो अमेरिका का बालक है इसकी भारत की अमेरिकी की जलवायु से प्रभावित करेगी, उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी जो विकास की दर है वो थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन निश्चित क्रम जो उसका क्रम होगा विकास होने का वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो ए भारत है, ए वाला बालक है भारत में, सबसे पहले वो बोलने के लिए क्या करेगा, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो बलबलाएगा, यानी कि जैसे नहीं कहते कि पा पा ऐसे करके, फिर वो थोड़ा सा तुतलाएगा, यानी हम कैसे कहेगा पा पा, फिर चाय को कहेगा ताय ताय, ऐसे कहेगा, यानी वो तुतलाएगा भी, बाद में जाके शब्द यानी अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करने लगेगा। जो अमेरिका का बालक होगा वो भी क्या करेगा, पहले बलबलाएगा फिर तुतलाएगा फिर अच्छे से बोलने लगेगा। तो जो क्रम होता है विकास का वो सब जगह निश्चित रहता है, लेकिन दर जो होती है वो चेंज होती है। क्या पता जो भारत का बालक है वो 4 वर्षों में जाके बोलना प्रारंभ करे, वो पहले बलबलाना प्रारंभ करे, अमेरिका का बालक है वो 2 वर्षों में ही बलबलाना प्रारंभ कर देगा, तुतलाना प्रारंभ कर देगा और 3 वर्षों में बोलने लगेगा। जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो क्या होता है कि मेरे बस, जो आपका निश्चित क्रम होता है वो सब जगह एक जैसा ही होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझे होंगे। जो एक फॉलो एक पैटर्न होता है विकास का, वो देश के किसी कोने में चल जाए, विश्व के सब जगह एक ही होता है, लेकिन जो दर होती है डेवलपमेंट होने की वो चेंज होती है जगह जगह की, उस पर वातावरण आपके अनुवांशिकता सब प्रभावित करते हैं। बाकी जब हम लोग हेरिडिटी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को और अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी ये टॉपिक विकास के सिद्धांत के है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वहां भी इनको कवर किया जाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट को समझ लीजिए, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है। अगले पॉइंट को समझ लीजिए, विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, लेकिन जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हम कह सकते हैं सर वो सीमित होता है, वो लिमिटेड होता है, वो सर लिमिटेड होता है। तो ऐसे ऐसे समझिए, जो विकास का क्षेत्र होता है जीवन पर्यंत चलता है, जन्म जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो ये सामान्य सी बात है, तो इसका क्षेत्र तो व्यापक होगा ही होगा। इसमें मानसिक भी, संवेगात्मक भी, सामाजिक भी, शारीरिक भी, सब तरह के इसमें डेवलपमेंट समाहित हो जाते हैं, ग्रोथ समाहित हो जाते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो प्लांट हो गए, चाहे एनिमल हो गए, चाहे ह्यूमन हो गए, सभी प्रकार की जो बॉडी में चेंज हो रहे हैं उसे हम ग्रोथ कहते हैं, और इनके जो मानसिक स्तर में डेवलपमेंट होता है इसे हम कह सकते हैं विकास कह सकते हैं।
उम्मीद करते मेरी बात अच्छे समझे होंगे। अब एक नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, सभी स्टूडेंट उसे लिख लीजिएगा। विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, जिसको कहीं कहीं सीधे पूछ लिया जाता है कि टेट में इस कथन से आप सहमत हैं कि नहीं है, इसको लिख लीजिए। विकास में अभिवृद्धि, अभिवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि, क्वेश्चन में वृद्धि लिख लीजिए, अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ इसे कहते हैं। विकास में अभिवृद्धि का भाव, अभिवृद्धि का भाव सदैव, अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, यानी सदैव समाहित रहता है, सदैव इंक्लूड रहता है, तो सदैव निहित रहता है, सदैव निहित रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे समझ लेना। तो जो आपकी वृद्धि होती है विकास के अंतर्गत आई आ जाती है, तो विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, यानी जो वृद्धि होती है विकास में ही समाहित होती है। अभी वृद्धि और विकास के अंतर को थोड़ा सा जान लेंगे कुछ पॉइंटों में, पहले यहाँ पे दो पॉइंट में छोड़ा हूँ, इसको पहले समझाऊं ताकि अब आप समझ पाएंगे। देखिए जो नोट पॉइंट करके लिखा, अब यहाँ पे इसको समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको खूब अच्छे से समझिए, इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज करता हूँ, फिर चीजों को आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आइए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। आइए अब चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आइए देखिए समझाते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अभी आप कह सकते हो कि कोई एक बालक है, मान लो कोई बालक है उसका, जो कि वो 5 फीट का हो गया, लेकिन वो दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, उसके अच्छे सामाजिक संबंध नहीं, उसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है, तो वृद्धि तो हुई है, उसके बॉडी में चेंजेस तो हुआ है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। तो हम इसलिए ये कथन को कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। और इस पॉइंट को मैं समझाया ही हूं कि जिन पर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बालक को आप ना पढ़ाओ तो ऐसा नहीं कि उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे एजुकेशन से, शिक्षा से कोई इसका संबंध नहीं है वृद्धि का। एक तरीके से ये वृद्धि तब भी होगी अगर बालक को कुछ पढ़ाओ भी ना तब भी। ठीक है, हाँ, इसमें जो कुशलता और परिपक्वता आएगी वो आपके शिक्षा से आ सकती, वो आप बॉडी वर्क करोगे, आप एक तरीके से योगा वगैरह करोगे तब आपको कुशलता आएगी, लेकिन वृद्धि तब भी होगी। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए, जो विकास के अंतर्गत वृद्धि भी समाहित है। अभी मैं नीचे लिखवाया भी था कि विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, इसीलिए लिखवाया था ताकि ये नोट पॉइंट आपका क्लियर हो जाए कि विकास के अंतर्गत वृद्धि का भाव हमेशा निहित रहता है। ये वृद्धि जो होती है विकास में ही समाहित होती है, क्योंकि वृद्धि जो विकास होता है इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, विकास के अंतर्गत वृद्धि, विकास के अंदर वृद्धि और परिपक्वता, विकास के अंदर वृद्धि और परिपक्वता दोनों आते हैं, परिपक्वता दोनों आते हैं। उम्मीद करते हैं इसको खूब अच्छे से आप लोग समझे होंगे विकास को। अब थोड़ा सा हम लोग अंतर को समझ लेते हैं, बाकी ये फर्स्ट क्लास थी और उम्मीद करते हैं इसको आप समझोगे। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेच्योर है, ग्रेजुएट है, थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो खूब अच्छे समझेंगे। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाकी जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा, बाकी अगर जब इसका की नोट तैयार हो जाएगा तब हम आपको नोट्स तो देंगे ही देंगे, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और जो है कि इसको समझना, विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। अब थोड़ा सा वृद्धि और विकास में कुछ अंतर को समझ लीजिए और खूब अच्छे से, खूब बेसिक से ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप हमारे सामने हैं। जैसे ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं कि अध्यापक अपने स्टूडेंटों को थम के समझाता है, बिल्कुल वैसे ही समझाएंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले लिखिए वृद्धि और यहाँ पे लिख लीजिए विकास। ऊपर जितनी पॉइंटें पढ़े हैं उनको बस इसमें अंतर कर देना और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना। आइए वृद्धि और विकास में अंतर समझते हैं। आइए समझिए, जो विकास होता है, वृद्धि होती है, इसे आप कह सकते हैं शारीरिक, इसे आप कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन, इसे आप कह सकते हैं शारीरिक, शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं कि शारीरिक, इसे आप कह सकते हैं कि शारीरिक मानसिक, शारीरिक मानसिक सामाजिक, उसके बाद संवेगात्मक, उसके बाद संवेगात्मक, संवेगात्मक परिवर्तन। यानी आप अपने संवेगों पे, अपने मानसिक, अपने सामाजिक पे कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं तो इसे हम विकास कहते हैं, और जो सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है इसे वृद्धि कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगी, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, जो विकास होता है ये गुणात्मक होता है, क्योंकि ये शारीरिक भी हो गया, मानसिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, संवेगात्मक भी हो गया, तो इन सबको मिला के जो डेवलपमेंट होता है उसे हम विकास कहते हैं। तो ये गुणात्मक होता है और ये इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं, तो इसे हम मात्रात्मक कहते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गई। अब थर्ड पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, वृद्धि और विकास के अंतर में थर्ड लिख लीजिए, ये वृद्धावस्था की ओर एक तरीके से परिलक्षित रहता है, यानी ये वृद्धावस्था की ओर चलता रहता है, ये वृद्धावस्था की ओर चलता रहता है। और इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये परिपक्वता, ये परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर चलता रहता है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं परिपक्वता।
इसे आप लिख सकते हैं परिपक्वता, परिपक्वता की ओर ये हमेशा अग्रसर रहता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, शारीरिक परिवर्तन, मात्रात्मक, और इसमें ये हमेशा वृद्धा की ओर आपको ले जाता है जिसमें जब से जन्म हो जाता है। कहते हैं ना हमारी उम्र तो एक एक दिन घटी रही है, यानी वृद्धि जो होती है ये हमें आपको वृद्धावस्था की ओर ले जाती है, यानी आपको एक तरीके से वृद्ध इंसान बनाती है प्रौढ़ के बाद। लेकिन जो विकास होता है ये आपको परिपक्वता दिलाता है, ये भी आपको वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, लेकिन इसमें आप मेच्योर भी होते हैं, परिपक्वता भी आती है। जैसे जितना पढ़े लिखे रहेंगे उतना आप परिपक्व रहेंगे, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जो विकास होता है इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब तरह के परिवर्तन होते हैं, और ये गुणात्मक और ये परिपक्वता होता है। ये अंतर को बस इतना जानते रहिएगा। उम्मीद करते हैं वृद्धि और विकास को समझेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो बीच में कुछ टॉपिक रह गई है वो आपको समझ में आ जाए। एक बार सभी बच्चे, एक बार आप लोग जितने के जितने स्टूडेंट हैं, एक बार आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कि क्लास समझ में आई कि नहीं आई। सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करिए कि हाँ सर क्लास समझ में आई, अपना फीडबैक दीजिए कि क्लास समझ में आई कि नहीं आई। वृद्धि और विकास को अपना 100% देके समझाने का प्रयास किए हैं कि वृद्धि विकास क्या होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आई क्लास समझ में आई कि नहीं आई सभी के सभी, फिर हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, वृद्धि क्या होती है? शारीरिक परिवर्तन, जो हमारे शरीर में चेंजेस आता है, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो वो होता है विकास। शारीरिक विकास, हमारे हाथ पैर का समग्र रूप से बढ़ना ही विकास कहलाता है। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। जो विकास होता है, तो विकास क्या होता है? विकास के परिणाम स्वरूप, यानी विकास के कारण व्यक्ति में परिपक्वता आती है, कार्य करने की योग्यता और कुशलता आती है। उम्मीद करते समझोगे। जितने बच्चे यस कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस यही फीडबैक आप सबका चाहिए। जो साथ है सबका सम्मान, जो साथ नहीं है, आप जहां भी पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट मैटर करता है कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब की बार भी आप द परफेक्ट स्टडी का नाम रोशन करेंगे। जितने स्टूडेंट हैं सब लोग सीटेट क्वालिफाई करेंगे। आइए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कर लेते हैं। टॉपिक के बीच में जो गैप रह गया वो समझ लीजिए। वृद्धि एवं विकास है, सभी के सभी कमेंट करिए, वृद्धि और विकास है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, एक दूसरे के विरोधी। आप कहोगे सजीव विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप तो कहते हैं ये परस्पर चलते रहते हैं, जन्म के समय वृद्धि विकास स्टार्ट हो जाती, तो कैसे ये विरोधी हो सकते हैं? एक दूसरे के समान में भी हो सकता है, एक दूसरे के पूरक ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो कब्बो नहीं हो सकता है। तो तीन ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग तुरंत बताइए। चलिए कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, तो आप तुरंत इसका उत्तर आपका जाना चाहिए। C4 कनाडा या फिर C4 चेन्नई, आप कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। एक दूसरे के समान भी नहीं कह सकते, कुछ अंतर भी है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं वृद्धि और विकास। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है। अब वृद्धि, यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है कि वृद्धि है अधिगम। अभी मैं बताया था कि वृद्धि पे शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। एक एक 2 वर्ष का बालक है, उसको कुछ भी पढ़ाओ लिखाओ मत, और एक एक बालक है उसको खूब अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छे 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 टीचरों का सामना करा रहे हैं, लेकिन वृद्धि तो दोनों की होगी, तो वृद्धि का अधिगम से कोई रिलेटेड नहीं है। वृद्धि मूर्त होती है, हाँ हो सकती है वृद्धि को हम देखते हैं, क्योंकि सर जी आप भी बताएं वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि जन्मजात होती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अभी फ्रैंक साहब कहते हैं कि कोशिकाओं का गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, तो वृद्धि डी फॉर डेनमार्क सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है ना, तो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है कि नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतर ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं एमसीक्यू आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन होती है? तो आप कह सकते हो कि सर जी ये वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ ये सर विकास भी होता है, ये जन्म से। लेकिन इसका सही उत्तर आपको किसके साथ जाएगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, तो आप इसका सही उत्तर तो डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आयोग इसका उत्तर मानता है वो वृद्धि और विकास मानता है। अब इसको समझाने वाली बात आ गई है। कैसे? जब यहां हम बात करते हैं वृद्धि की ना, तो इसमें 2 तरह के आते हैं, एक तो इसमें बढ़ना, एक देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। अब आपका थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं ये जानता हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सोचते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। एक बढ़ना और एक क्षय, जैसे एक क्षय को आप कहते हैं नष्ट होना, जैसे जो शुरुआत के समय में बढ़ना 100% होता है, और नहीं बढ़ना आप कह सकते हो कि 99% होता है, और 1% क्षय होता है, लेकिन
प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है, 50% ग्रोथ होता है, और आप कह सकते हो 70% की क्षय होता है और 30% जो होता है ग्रोथ होता है। तो अगर हम कहें कि वृद्धि क्या सर, कि वृद्धि प्रौढ़ावस्था तक के बाद जाके रुक जाती, नहीं भैया, वृद्धि भी जीवन प्रत्य चलती रहती है, जैसे जब तक मृत्यु ना हो जाए। जैसे शुरुआत में तो आप बढ़ रहे हैं, आपके बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं आपके दादी वादी घर पे होंगी, उनके जो हाथ के चमड़े होते हैं उनमें लचीलापन आ जाता है, वो एक तरीके से उनमें चिचकाहट आ जाती है, वो चिचुक जाते हैं। तो क्या होता है, पहले तो बॉडी एक तरीके से टाइट थी, बॉडी एक तरीके से ग्रोथ हुआ, बाद में वो ढीला हो उसमें हो रहा है। ठीक है, माँ होती हैं, दादियां होती हैं, दादे हो दादाजी होते हैं, उनमें देखते हैं ना, उनके बॉडी में तब भी चेंज होता है। और हम पढ़ते क्या है वृद्धि को, कि वृद्धि वो होती है जो हम अपने बॉडी में चेंज होता है, तो प्रौढ़ावस्था के बाद भी बॉडी में चेंज होता है ना, हमारे दांत वांत टूटने लगते हैं ना, तो वृद्धि जो होती है वो भी वृद्धि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। लेकिन अगर इसे व्यापक स्तर पे जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उनको पता होगा कि अगर इसे बहुत अच्छे से समझे तो वृद्धि और विकास को तो देखते टिक करोगे कि हाँ, जो विकास विकास और वृद्धि होती है वो प्रौढ़ावस्था तक चलती है, लेकिन जो विकास होता है जीवन पर्यंत। लेकिन नहीं, आप अब समझ गए कि वृद्धि में अर्थ आता है बढ़ना भी और क्षय भी, यानी ये बढ़ती भी है और घटती भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि वृद्धि और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डी फॉर डेनमार्क सही हो गया। अगर इस क्वेश्चन से कोई भी स्टूडेंट सहमत नहीं है तो आपको पता है द परफेक्ट स्टडी के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं वहां पे आपके अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, सुविधा अनुसार। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं ये जितने भी क्वेश्चन है, अब देखिए इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन ही बन रहे थे, मैंने उनको लेके आया। अब इसके बाद जो भी हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे उस रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं फर्स्ट अच्छे से समझ गए होंगे। आपको पता है कि द परफेक्ट स्टडी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, इस पे आपको द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा, और आप नोट्स मेंटेन करें तो सभी को बहुत अच्छी बात है। द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज भी है, इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हैं चीजों को और अच्छा बेहतर करने के लिए। दो ऑफिशियल आईडी हैं, इनमें भी आप जुड़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, ठीक है, इस पे भी अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह किए जाते हैं जब भी टाइम मिल जाती है। और द परफेक्ट स्टडी का ये ऑफिशियल नंबर है, इसके अन्यथा कभी भी आपको कॉल जाती है और ये बोला जाता है कि हम द परफेक्ट स्टडी की तरफ से बोल रहे हैं, तो बिलीव मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और कभी भी कोई डाउट हो तो आपको पता है अपना फैमिली समझ के आप व्हाट्सअप कर देना, देखते ही हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते मैं इस सब बात को समझे होंगे। बाकी आपको पता ही है कि सीटेट का क्लास तो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री में मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। यदि आप सीटेट के नोट्स में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा अपना नोट्स के साथ साथ द परफेक्ट स्टडी को सपोर्ट भी करना चाहते हैं बेहतर के लिए, तो आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये फीचर्स कोई नहीं देता, ये फीचर सिर्फ द परफेक्ट स्टडी देता है कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम दूर भी कर पाए और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सके। और एक स्टार और लगा लीजिए, वीकली यहाँ पे आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा और उसकी आंसर शीट भी जारी की जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ भी सकते हैं, और नहीं भी जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल यूट्यूब पे मैं क्लासेस दूंगा। जो भाई बहन थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि सिचुएशन है बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाइए, खूब अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं वृद्धि विकास को खूब अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, और आप प्रयास करिए कि खूब अच्छे से जहां भी आप भी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो खूब अपने स्टूडेंटों को दिल से पढ़ाइएगा, और आप तरक्की के मार्ग पे हमेशा अग्रसर रहिए। यही एक अध्यापक के माँ बाप की यही इच्छा होती है, और यही इच्छा हमारी भी है कि आप लोग जहां भी रहें खुशहाल रहें, अच्छे रहें। ये फर्स्ट क्लास थी, इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास में मिलेंगे सीटेट के। उसके बाद ये जो 8 से 9 बजे की आपकी सीटेट की क्लास चलाता हूँ मैं द परफेक्ट स्टडी पे, इसमें मैं अमृत क्लास भी, और अमृत क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एग्जाम हाल में देखने को मिलेंगे, बहुत ही एनालिसिस करके वो क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को जरूर किया करिए। जल्दी ईवीएस और हिंदी के पैडागॉजी को और उनके जो कॉम्स क्वेश्चन है मैं अमृत क्लास में डिस्कस करूंगा। कहने का मतलब आपको तैयारी, जो हम लोग आपको सपना दिखा रहे हैं 120+, थोड़ा सा आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, हम थोड़ा सा आपका सहयोग करते हैं और 120 लेके आएंगे। जो साथ है सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथ नहीं है वो भी आप जहां भी पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, चलिए।